द गोट ऑफ लाइफ एवरी ब्रीथ इज अ बैटल। यार ये क्या बकवास है, आखिर क्यों क्यों तुम किसी से ऐसा सवाल पूछोगे, खास करके जब तुम खुद अपने फिल्मों को 20 और 25 दिन में निपटा देते हो। 25 दिन में पैसा डबल, यही तुम्हारा फंडा है ना भाई। हाँ मुझे भाई गुस्सा आया अभी इस फिल्म को देखने के बाद उस स्टार पे जो कि इसी भाई साहब से और इसके मेकर से पूछ रहे थे 16 साल क्या किया तुमने, 16 साल एक फिल्म बनाने को लग जाता है, इतना भाई क्या कर रहा था, तुम लोग कर क्या रहे थे सीरियसली। बाय द वे जाने देते हैं, मैंने देखा है द गोट ऑफ लाइफ, और ये मूवी कैसी है, क्या इस मूवी से आपको कुछ मिलने वाला है या बस एक बोरिंग सी मूवी है, या ये मूवी जो है आपको कुछ अलग तरह की चीजें दे करके जाती है, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो का एंड तक जरूर देखना, और रीच को बढ़ाने के लिए भाई कमेंट करके जाना, लाइक डिसलाइक जो भी हो वो करके। तो भाई इस फिल्म में जो भी चीजें दिखाई गई है ना भाई, वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। हाँ उन लोगों के लिए हो सकता है ये चीज जो लोगों को नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज पता है कि जितने भी लोग यहाँ से बाहर कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं, खास करके गल्फ हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इस सब जगह पे जब जाते हैं वहां पे उनके साथ में क्या होता है, कई सारी मूवीज में जो है हल्के फुल्के से झलक नहीं तो कॉल पे सुनाई गई बातों से उस चीज को दिखा दिया जाता है, लेकिन इस फिल्म में फुल फ्लेज तरीके से जो है इस चीज को दर्शाया गया है। स्टोरी में दिखाया जाता है किस तरह से एक इंडियन पर्सन जो है वो यहाँ से बाहर कंट्री में जाता है और जाने के बाद से उसको अटका दिया जाता है, और उसके बाद से वो क्या कर रहा होता है, सालों तक वो कर क्या रहा होता है, और उस जगह से वो कैसे बाहर निकलेगा, निकलेगा भी या नहीं, ये सारी चीज को जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा। देखो सच बताऊं तो स्पॉइलर नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन ये फिल्म जो है एक्सपीरियंस करने लायक है। इस मूवी को किसी से सुन करके जा करके आप देखो, या फिर किसी के सुनने के बाद से आप अपना निर्णय लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको जा करके खुद इस मूवी को देखना चाहिए एंड फील दैट पेन कि वो किस तरह से उस दर्द को झेला होगा, कैसे एक एक पल बिताया होगा, यही सारी चीजों के बारे में बताया जाता है इस कहानी के अंदर में। अब बात करते हैं कि भाई इसकी मेकिंग को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई 16 साल लग गए इस फिल्म को बनाने के लिए। अब ये 16 साल कैसे लगे, देखो 2008 में एक घटना घटी थी जिसके ऊपर में एक बुक भी लिखा गया, और उसके ठीक नेक्स्ट ईयर से जो है इस मूवी पे काम करना शुरू कर दिया गया था। हाँ 2009 में ही इस मूवी पे काम करना शुरू कर दिया था, मतलब ऑन पेपर आइडिया को रखना, यानी जो भी प्री प्रोडक्शन चीजें होती है वो सारी चीजों पे काम करना शुरू कर दिया था। अब ये कहानी एग्जैक्टली एक पर्सन की थी जिसका नाम नाजिब था। अब वो नाजिब पर्सन के साथ में क्या क्या हुआ है, उसके पूरे पेन को उठा करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, और इस चीज को दिखाने में मेकर और जो मेन लीड है अपने पृथ्वीराज सुकुमारन, ये दोनों ही पूरे तरह से सक्षम होते हैं, क्योंकि आपको पृथ्वीराज के साथ में जो लगाव हो जाएगा स्क्रीन में, आप देखोगे और रोते जाओगे, देखोगे और रोते जाओगे, मतलब अंदर से जो इमोशन है ना वो कहीं से भी आप रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए तो हो चुका था। और आप लोगों को ये भी चीज सोचने की जरूरत है कि आप अपने कंट्री में रह करके कमा करके अपने फैमिली के साथ में रह पा रहे हो, आप बहुत ज्यादा लकी हो। जो लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए या फिर कम टाइम पे ज्यादा पैसा कमाने के लिए जाते हैं, उनके साथ में दो चीजें होती है, एक जो सही तरीके से जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, दूसरा जो जाते हैं और किसी ट्रैप में फंस जाते हैं और जिंदगी भर के लिए अटक से जाते हैं, और जब तक वो अटके रहते हैं वो अपने फैमिली को एक एक पल किस तरह से याद कर रहे होते हैं, उनके फैमिली पर्सन को भी इस चीज को लेकर की कोई इमेजिनेशन नहीं आ सकती है, क्योंकि जो सिर्फ झेल रहा है वही समझ सकता है। और इस चीज को अगर आपको समझना हो तो प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी। इसका डायरेक्शन इतना ग्रिपी है, सोचो आपको 3 घंटे की मूवी है पूरी, और 3 घंटे आप बैठ करके चिपक करके देख रहे हो। मैं आपको एक बेस्ट पार्ट बताता हूँ, इस मूवी को मैंने हिंदी वर्जन में नहीं देखा है, और जो भी देखा है वो सबटाइटल के सहारे से ही देखा है। पूरे अपने एरिया में ढूंढने के बाद में एक ऐसा थिएटर मिला जो हर तरह की मूवी और हर बार लगाती है, कोई भी मूवी मिस नहीं करती है, वहां पे जाकर के मुझे ये मूवी देखने को मिला। उसके बावजूद 3 घंटा आप स्क्रीन पे चिपक के बैठे हो भाई, मैं कह रहा हूँ ये अपने लिए जो है कांतारा जैसा होने वाला है, यहाँ तक के सीता रामम जैसा होने वाला है, जो कि फिल्म तो आई थी अपनी रीजनल लैंग्वेज में लेकिन बाद में इतनी पॉपुलर होने लगी कि उसको हिंदी में रिलीज करना पड़ा और थिएटर पे लोग भर भर के गए उस मूवी को देखने के लिए। आई होप कि इस मूवी के साथ में भी वही हो, ना कि उस तरह की मूवी के साथ में जो हमेशा होता रहा है कि वो पैन इंडिया के लायक है भी नहीं, फिर भी उसको 5 लैंग्वेज 7 लैंग्वेज में रिलीज करते हैं और उसमें कुछ होता नहीं है, और ना ही उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है को लोगों को देखना जरूरी होता है। आई एम ईगरली वेटिंग कि इसका जब हिंदी वाला वर्जन आएगा तो मैं फिर से जाकर के देखूंगा और एक एक वर्ड को एक एक डायलॉग को जो है उस तरह से देखूंगा, सुनूंगा जिस तरह से अभी मैंने अपने लैंग्वेज में नहीं सुना है।
सो ओवरऑल अगर कहा जाए इट्स अ एक्सपीरियंस। हाँ, आपको एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है, मूवी जाकर के देखनी चाहिए और कम से कम ये चीज समझ लेना चाहिए कि जब किसी फिल्म के ऊपर में कोई वक्त लगाता है ना, वो वक्त, वो मेहनत, वो सारी चीजें स्क्रीन पे झलक रही होती है बॉस। आप कैसे भी कॉन्ट्रास्ट के साथ देखा हो, आप कैसे भी एक टॉपिक को लेकर के, लेकिन आपने उस पर जाके डीप रिसर्च किया है, बहुत सारी चीजों को जाना है, एक एक चीज को सामने दिखाने का सोच रखा है, तो भाई ये होता है मेहनत। एंड खिलाड़ी कुमार, प्लीज स्टॉप ट्रोलिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स के भाई तुझे 16 साल क्यों लग गए। आपको लगते होंगे यार 16 मिनट पूरे दिन की शूटिंग खत्म करने के लिए, आपने खुद कहा है कि एक फिल्म 3 घंटे की होती है, अगर मैं 10-10 मिनट का भी शूट करता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगना चाहिए एक फिल्म को बनाने के लिए। इट्स योर जर्नी, किसी और का कुछ और हो सकता है, तो प्लीज स्टॉप ट्रोलिंग दिस। हाँ, एंड मे बी इस फिल्म के वजह से जो है बड़े मियाँ छोटी मियाँ को बहुत अच्छी हाइक मिल जाए और लोग उस मूवी को जाकर के बहुत अच्छे से देखे जस्ट बिकॉज ऑफ पृथ्वीराज सुकुमारन। इस मूवी के वजह से हो सकता है पूजा एंटरटेनमेंट वालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, बड़े मियां छोटे मियां पे, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन एंड रिव्यू फॉर दिस मूवी, व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है यार कमेंट सेक्शन पर कुछ बताओ अपना एक्सपीरियंस।